तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने लाऊँ सैमसंग के मोबाइल की बेस्ट सिक्योरिटी सेटिंग या बोल सकते हैं बेस्ट सिक्योरिटी सेटिंग फॉर सैमसंग गैलेक्सी के लिए बताने वाला हूँ ये जो सेटिंग बताने वाला हूँ इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आपको सिक्योरिटी की सिक्योरिटी मिलेगी दोस्तों तो वीडियो को उसकी मत करेगा वीडियो को पूरा दिखेगा तो ये आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते हैं आगे मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट सिक्योरिटी टिप तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा आपको जाना है अपने मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग पे मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है या फिर बोल सकते हैं एक सेटिंग मिलती है इसका नाम है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का आपको उसके अंदर जाना है उसके अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो है आपको यहाँ जाना है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आपको दिख रहा होगा आपको इस पे क्लिक करना है और इसको आपको चेक कर लेना है अगर ये अपडेट मांग रहा है तो सबसे पहले आपको इसको अपडेट कर लेना है अगर नहीं मांग रहा तो ठीक है तो, तो सबसे पहले आपको टेप स्टेप फॉलो करना ही है उसके बाद आपको जो दूसरे टेप है उसके लिए आपको करना क्या होगा बैक आने के बाद इसी के ऊपर आपको लिखा हुआ है गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपको इसके अंदर जाना है इसके अंदर जाने के बाद ये सीधा आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी एप्स दिखा देगा और यहाँ पर मेरे पास दिखा रहा है नो हार्मफुल ऐप फाउंड तो आपको करना क्या है इसको यहाँ पर स्कैनिंग पे डाल देना है अगर आपके पास वहाँ पर कुछ दिखा रहा है कि कोई भी ऐप हार्मफुल है या फिर कुछ भी वहाँ पर सस्पिशियस दिखा रहा है तो आपको उस ऐप को देखना है अगर वो ऐप आपके काम की नहीं है तो उसको हो सके तो आप अन इंस्टॉल कर दिए यह बहुत बड़ी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और इसको अपडेट करते रहना है तो सबसे पहला ये हो गया आपको टिप या बोल सकते हैं सेकंड टिप मैंने आपको ये बता दिया उसके लिए दोस्तों तीसरे टिप के लिए आपको करना क्या होगा वापस आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे वापस आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाना है सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है बैटरी एंड डिवाइस केयर आपको दिख रहा होगा बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पर जाना है आपको उसके अंदर जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है लास्ट सेकेंड डिवाइस प्रोटेक्शन आपको दिख रहा होगा डिवाइस प्रोटेक्शन पर यह बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है तो आपको इसको टर्न ऑन कर लेना है टर्न ऑन करने के बाद आपको स्कैनिंग भी करना है तो ये स्कैन होने में टाइम लगाता है आपको पता होगा इसको स्कैन कर लेना है जब भी कोई भी दिक्कत होगी तो आपको वहाँ पर डिस्क्राइब कर देगा आपको नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसके लिए आई लिंक में आई बटन पर दे दूँगा तो ये हो गया उसके बाद दोस्तों इसी में क्या करना है आपको यहाँ से बैक आना है बैक आने के बाद यही डिवाइस दिव, केयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है अबाउट डिवाइस केयर में यहाँ पर आपको सबसे जो मेन काम की चीज़ करना है यहाँ पर अपडेट सिक्योरिटी इंजन तो ये सिक्योरिटी इंजन को भी आपको रेगुलरली अपडेट करना है वंस अ वीक या वंस अ मंथ या आपको 15 डेज 20 डेज में आपको एक बार आके इसको चेक कर लेना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने उस पर क्लिक करा वो नीचे मेरे पास मैसेज आ गया कि योर लेटेस्ट वर्जन इन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको अपडेट कराया तो आपको हमेशा ये सब चीज़ों को चेक कर लेना है उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप करनी है वापस आपको सेटिंग पे आना है सेटिंग पे आने के बाद वापस आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाना है उसके बाद यहाँ पर जाना है दोस्तों मोर बायोमेट्रिक सेटिंग का ऑप्शन ओपन दिख रहा होगा आपको उसको जाना है वहाँ जाके आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पैच को चेक कर लेना है अगर ये भी अपडेटेड मांग रहा है तो आपको उसको अपडेट करना है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा द लेटेस्ट वर्जन इज इंस्टॉल्ड ये दोनों पे काम करेगा आपका फिंगरप्रिंट्स एंड फेस रिग्न दोनों पे यह वर्क वर्क करता है तो ये भी आपका अपडेटेड होना चाहिए उसके बाद दोस्तों तो उसके आगे की बताने वालों नेक्स्ट सेटिंग उसके बाद बाहर आएंगे तो आपका ये सिक्योरिटी अपडेट्स है यहाँ पर आप देखेंगे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में तो ये भी आपका अपडेट होना चाहिए मतलब कि आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए और अगर नई सिक्योरिटी आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आई है तो वो भी आपका मोबाइल अपडेटेड होना चाहिए तो ये सब चीज़ें सिक्योरिटी के लिए बहुत काम की होती हैं तो ये हमेशा आपका अपडेट होना चाहिए उसके बाद दोस्तों जो लास्ट बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या हुआ यहाँ नीचे की तरफ जाना है यहाँ जाना है अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट आपको कीप योर फोन सिक्योर विथ लेटेस्ट अपडेट सिक्योरिटी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको इसको ऑन करके रखना है इससे क्या होगा सिक्योरिटी पॉलिट पॉलिसी की जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपके फ़ोन को अपडेट करके रखेगा तो ये जो स्टेप्स हैं ये जो मैंने बताई हैं ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या हो सकते कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा तो इन सबको आपको फॉलो करके रखना है उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें अगर आपको लगता है उसमें तो मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे तो डिसाइक कर सकते हैं दोस्तों और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं जहां पर मैं ज्यादा अपडेट भी रहता हूँ या बोल सकते हैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर जल्दी रिप्लाई दे सकता हूँ और हो सके तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और मैं जल्द से जल्द टेन के तक पहुंच सकूं और उसके बाद काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली वहां पर सर्च कर सकते हैं सनी अरोरा एस यू एन वाई अरोरा ए आर ओ आर ए एंड स्लैश तो अब आप मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँगा तो थैंक यू दोस्तों